अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक नया एप्लीकेशन गोल्डन रुपीस के नाम से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसमें बताऊँगा कर्ज कैसे लेते हैं और उसके अलावा वहाँ से लेना भी चाहिए या नहीं, और मुकम्मल डिटेल बताऊँगा कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं और आप लोगों का नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। आज की शुरू मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा कैसे कर्ज ले सकते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमेशा से आपको यही रिक्वेस्ट की रहती है, वीडियो को लाइक किया करें। आप व्यूज़ देते हैं बट आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, दिल में बहुत जो है तकलीफ़ होती है कि आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्ले स्टोर के अंदर आए गोल्डन रूपी के नाम से, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं 1 लाख+ इसके डाउनलोडर्स हैं, रेटिंग बहुत ज़्यादा है और उसके अलावा यहाँ पे इसकी पिक्चर्स आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग चेक करें तो इसके अंदर जितने भी रिव्यूज़ हैं वो 100 में से आप लोग 50 से आप 18% लगा सकते हैं कि कितने जो है रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो रेटिंग के हिसाब से इन्होंने रिव्यूज़ दिए हैं, रेटिंग दी है और ये काफ़ी ज़्यादा है एप्लीकेशन के डाउनलोडिंग के हिसाब से। जैसे आप लोग इसे ओपन करते हैं इस तरह का इसका फेस आ जाता है और यहाँ पर आपने अलाउ के सेक्शन पे क्लिक करना होता है, फिर अलाउ करना होता है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नंबर देना होता है। जैसे आप लोग नंबर देते हैं और रिसीव ओटीपी के सेक्शन पे क्लिक करना होता है और यहाँ पर एक ओटीपी आप लोगों को रिसीव होती है, वो ओटीपी आपने यहाँ पर देनी है और लॉगिन के सेक्शन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर मेरे पास ओटीपी आ चुकी है, इसको हम पेस्ट करें, उसके बाद लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पर आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास डैशबोर्ड जो है वो शो हो जाएगा। इस तरह का डैशबोर्ड जो है शो हो जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को 2 से 3 चीज़ें नज़र आती हैं, एक वॉलेट है, एक लोन मार्केट है, आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे वॉलेट और लोन मार्केट। वॉलेट के अंदर अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर ऑप्स का ऑप्शन आ रहा है, आगे फिर मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर कंटिन्यू कैसे करना है। सिलेक्ट अमाउंट के अंदर आप लोग देखें तो यहाँ पर 1500 से लेकर 15000 तक आप लोग यहाँ पर कर्ज ले सकते हैं। कंटिन्यू यहाँ पर अगर आप चेक करें तो यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं, प्लीज़ प्रेप योर डिवाइस लोकेशन, यहाँ पर आपने लोकेशन को ओपन करना होता है। जैसे आप लोग जो है लोकेशन को ऊपर करेंगे फिर आपने कंटिन्यू के सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो चीज़ें स्क्रॉल डाउन करना है, अलाउ वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो भी चीज़ मांगे आपने अलाउ करते जाना है। अलाउ करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट बैक पिक्चर्स आप लोगों की CNIC की चाहिए, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने फिर जो है नेक्स्ट जो ऑप्शन आप लोगों के पास आने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन आएंगी, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर आपका नाम हो सकता है, नंबर हो सकता है और उसके अलावा आपके दोस्त का या आपके वालिद का नाम नंबर हो सकता है। और उसके अलावा बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद जो है एक और इंफॉर्मेशन आती है जिसके अंदर आपने लिखना होता है सैलरी वाइज है या नहीं है, या उसके अंदर आप लोग जो है और भी मैरिड हैं या अनमैरिड है ये भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 15000 लोन, लेकिन दूसरी एक बात याद रखें, जब पहली मरतबा आप लोन लेते हैं तो डायरेक्ट आप लोगों को 15000 रुपये का जो है लोन नहीं दिया जाएगा, बल्कि यहाँ पे 1500 या 2000 या 3000 4000 का लोन दिया जाता है। अगर आप यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हेल्प सेंटर है, सबसे पहले आप इनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट ईमेल यहाँ पर मेल कर सकते हैं और उसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब जितनी भी अप्लीकेशन यहाँ पर मौजूद हैं इनमें एक चीज़ खतरे वाली हो सकती है कि आपकी जो भी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है, मतलब पिक्चर होगी, CNIC की पिक्चर होगी और उसके अलावा आपका डेटा होगा। लेकिन ये जितनी एप्लीकेशन कर देती हैं इनमें एक नुकसान होता है कि ये आप लोगों को कर्ज 2 हफ्ते के लिए देती हैं, ज़्यादा लोन नहीं देती हैं, ज़्यादा देर तक जो है लोन नहीं देती हैं। 2 हफ्ते के बाद आपके घर वालों को, आपको और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आपने नंबर दिए होते हैं उन पर कॉल आना स्टार्ट हो जाती है, हमारा कर्ज वापस लें। इनमें एक और भी खराबी आई है कि आप लोग अगर 5000 का कर्ज लें तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है और उसके अलावा इस तरह के एप्लीकेशंस में ये भी पता नहीं है कि यहाँ पे किसी किसी को कर्ज़ देती है किसी को नहीं देती है, बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, कभी कभार तो किसी को भी नहीं देती, कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो 100% फेक हैं। तो इस बारे में आप लोग क्या, आपका क्या ख्याल है? मेरा यही ख्याल है कि आप लोग यहाँ से कर्ज ना लें।